इंसेंट स्विच ऑन रखा है और इसमें पहला सप्लाई चेक करेंगे क्योंकि दोनों में 5 वोल्ट आता था। हालांकि इसमें एक 5 वोल्ट सिग्नल आना चाहिए था और एक ग्राउंड आना चाहिए था, लेकिन दोनों में 5 वोल्ट आ रहा था। तो अभी एक बार सप्लाई चेक। तो फाइनली इसको मैंने खोल दिया है और इसका जो कनेक्शन बाहर से जो पिन नंबर है, एक 45 पिन नंबर बी कपलर का और एक है 20, तो इसको लेके मैं अंदर आ गया और फॉल्ट को मैंने ट्रेस भी किया है। आपको मैं फॉल्ट भी दिखाऊंगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ट्रेस किया है उसका वायर, मैं आपको दिखाता हूँ। एक है यहाँ पे इसका बजर बोर है और दूसरा है वो दूसरा वायर है वो इधर है यहाँ पे। तो मुझे ये वाले जो है ना वायर में फॉल्ट मिला है, जो आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे बजर आ रहा है, साथ में देखेंगे तो बजर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे देखेंगे गौर से तो ये लाइन, ये तो डायरेक्टली यहाँ पे इसका इधर से सप्लाई नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से देखेंगे ना इसको और इसको, तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सप्लाई है ये वाला, तो इसको अपन चेक करेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, चार नंबर, फोर नंबर, 1 2 3 4 5, तो देखेंगे। तो ये जो 4 नंबर है ना, यहाँ पे इधर इसका ट्रैक कट गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं जंप करता हूँ वायर से और आपको दिखाता हूँ, देख लो वापस एक बार। तो जैसा आप ट्रेस करेंगे ना आपको पिन टू पिन, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे कट है, तो इसको एक बार जंप करता हूँ। अभी ये 4 नंबर ट्रैक से अपन ये ट्रैक तक देखेंगे ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, बीच में कट हो गए। तो इसको एक बार अपन जंप करते हैं, वायर को जंपर मारते हैं और बाद में आपको दिखाता हूँ। फाइनली जंपर मार दिया मैंने और देखते हैं, तो ये भी प्रॉपर कंटिन्यूटी आ रही है, पहले बीच में वो नहीं आती थी, ट्रैक कटा था। तो गाड़ी में लगा के देखते हैं। तो मैंने इसको रिपेयर कर दिया, तो एक बार इसको लगा के देखते हैं। PW ECM, तो इसका इग्निशन स्विच ऑन रखा है और इसमें पहला सप्लाई चेक करेंगे क्योंकि दोनों में 5 वोल्ट आता था। हालांकि इसमें एक 5 वोल्ट सिग्नल आना चाहिए था और एक ग्राउंड आना चाहिए था, लेकिन दोनों में 5 वोल्ट आ रहा था। तो अभी एक बार सप्लाई चेक करते हैं। इसको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट किया मैंने, तो एक वाले फर्स्ट वाले वायर में देखते हैं और इसको ग्राउंड में प्रोब लगाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 वोल्ट शो हो रहा है। अभी सेम अपन है ना, ये इसका जो दूसरा वाला वायर है, जोड़ गया थोड़ी, ये वाले में 5 वोल्ट आ रहा है, अभी दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे अभी 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, ये ग्राउंड है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव में लगा के -12 वोल्ट बता रहा है, या फिर आप इसको कंटिन्यूटी पे भी मैं सेट करूँगा तो भी ये आपको पता चलेगा। इसको मैं टच करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बीप आना चाहिए, यहाँ पे मैंने टच किया, ये थोड़ा ही दाखो प्रोब दाखो, ये बीप आ रहा है, मतलब ये ग्राउंड भी प्रॉपर आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट और ग्राउंड जो पहला नहीं आ रहा था। तो अपना ECM रिपेयरिंग सक्सेस हो गया। तो इसको ECT सेंसर का सॉकेट मैंने लगा दिया। गाड़ी को एक बार स्टार्ट करो, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, जला नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा रेस करो हल्का, लेकिन अभी ये फ़ैन ऑफ है, ये पहला ही डायरेक्ट हो जाता था ये वाला फैन।
और ये अभी प्रॉपर है। और साथ में आपको मैं क्लस्टर मीटर में भी चेक करवाऊंगा, क्योंकि उसका गेज भी नहीं चल रहा था, टेम्परेचर गेज क्लस्टर मीटर में। अब एसी डालो, एसी तो यहाँ पे एसी स्टार्ट किया तो यहाँ पे पंखा ऑन हो गया। एसी बंद करो, अब ये जैसा भी एसी बंद करेंगे तो ये कटआउट होना चाहिए। गाड़ी चालू करो, एसी बंद ही रखो, ठीक है? बंद है ना एसी? बंद है ना? हाँ ठीक है, तो ये अभी नॉर्मल हो गया। और ये गर्म होने के बाद में मैनुअल में चलेगा, मतलब ऑटोमेटिक टेम्परेचर 90-100 डिग्री हो जाएगा तो चालू होके कट ऑफ हो जाएगा, वो भी मैंने ऑलरेडी चेक किया। और आपको मीटर में भी दिखाता हूँ, क्लस्टर मीटर में, और फॉल्ट कोड भी चेक करेंगे। तो गाड़ी अपनी स्टार्ट ही है, और इसका जो पहला टेम्परेचर काटा भी उसका चलता नहीं था, ये अभी सेंटर के आसपास आ गया है। ये जो निडल है ये वाला, ये पहला नीचे ही था, शायद क्लियर दिख रहा है रहेगा अभी। और चेक लाइट भी इसका चला गया। और एक बार रीड ट्रबल कोड करते हैं, तो ये पहला जो फॉल्ट कोड था वही है, तो उसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ सक्सेसफुली। रीड ट्रबल कोड तो नो ट्रबल कोड, ये पहला जैसे भी अपन क्लियर कर देते फॉल्ट कोड तो इसके अंदर वापस वो फॉल्ट कोड आ जाता था। तो ये अभी रेड ट्रबल कोड तो नो ट्रबल कोड, और अपनी गाड़ी स्टार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।